छिंदवाड़ा जिले में सीएम कमलनाथ का काम कर गए भाजपाई, वहीं गुस्से से लाल हुए कांग्रेसी। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक गलियों का पारा चढ़ता जा रहा है। सभी पार्टियों के विकास कार्यों का श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है। वहीं पानी की समस्या को निपटाने के लिए छिंदवाड़ा में 50 बोरवेल कराने का लक्ष्य रखा गया है। हमारे जो 50 बोर होने, उसमें 15 बोर हमारे हुए, जिनमें 5वें मोटर लग के हम सप्लाई चालू करने जा रहे हैं। तो जनप्रतिनिधि के नाते, चाहे महापौर जी हूँ, चाहे मैं विधायक के नाते हूँ, हम सब लोग और सारे पार्षद लोग, चुने हुए सब लोग कर रहे हैं। इस तरह की जो ऊँची हरकत उनने की, शर्मनाक है, और ऐसा हलकतपन से काम नहीं होना चाहिए। हम सद्भाव से सबको प्यार, भाई उपचारा प्यार और अपने के साथ काम करना चाहते हैं। ऐसे अगर बदतमीजी और दुर्व्यवहार करेंगे तो हमको मजबूर होना पड़ेगा। भाई जी, जो नगर उसके एक्सलेंस स्कूल के सामने का जो पार्क है, उसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी करने, उसका भी वो करके जा चुके हैं। ये तो उनकी बेवकूफ़ी है। मुख्यमंत्री जो अधिकार मुख्यमंत्री जी करेंगे, ऐसे नालायक कोई आरसद पार्षद आए और कुछ भी करके बेवकूफ़ी करके जाए, इसका कोई मतलब नहीं देता। ये तो जो पद जिसके लायक है, जो कमलनाथ जी का कमलनाथ जी करेंगे, मंत्री जी का मंत्री करेंगे, विधायक का विधायक, पार्षद का पार्षद और महापौर का महापौर, जो जिसको बुलाया गया, जिसको आमंत्रित किया गया है, जो अधिकृत व्यक्ति वही करेगा। गलत कुछ भी आके कोई बेवकूफ़ करे, उसका मतलब क्या है? आज सौगातें भी उसको लेकर कुछ करेंगे। आज की सौगातें 50 बोर शहर में अलग से दिए गए, छिंदवाड़ा शहर को 20 करोड़ रुपये अलग से रेगुलर सप्लाई के लिए 1 मार्च से पानी देने के लिए 12 करोड़ हमने पहले दिया, 8.5 करोड़ अभी दिया, ऐसा 20.5 करोड़ कमलनाथ जी ने दिया हुआ है। और साथ साथ